हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब लेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होने वाली है फॉर लद्दाख यूनिवर्सिटी में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें अप्लाई करने के लिए उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। बने रही लास्ट तक, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिस के ऊपर बात करें, इसमें कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रहेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख लेह करगिल कैंपस के लिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.universityofladakh.org.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हो, क्लिक करिए और नोटिफिकेशन देख सकते हो। और नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर प्रॉपर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नीचे इसकी फ़ीस की बात करें, इसकी ₹500 फ़ीस रहने वाली है। अकाउंट फेवरिंग रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको ₹500 पे करना पड़ेगा, और साथ में अकाउंट नंबर इसका दिया गया है नीचे, और IFSO कोड भी है जिनके बैंक मेन ब्रांच ले दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 55% इन कंसर्न आपके मार्क्स होने चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी। अगर आप फॉरेन के यूनिवर्सिटी से हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट बी क्लियर, आपको अगर आपने नेट NSLET ST का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। द PhD डिग्री एंड ऑब्टेन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री करी है तो उसमें तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, ये 25 जनवरी 2022 से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 फरवरी 2022 में। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अप्लाई करिए। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन नीडेड किस तरह से रहेगा, सीरियल नंबर डिपार्टमेंट सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी दी गई हैं, एनी स्पेशलाइजेशन टीचर रिक्वायर्ड कितनी की है, किस तरह से है उसमें बारे में बात करेंगे। अरेबिक के 2 पोस्टें दी गई हैं, बोटनी की 4, इंग्लिश की 4, कंप्यूटर साइंस की 3 एंड केमिस्ट्री की 4 पोस्टें दी गई हैं। इसमें सोशियोलॉजी की 4 पोस्टें दी गई हैं, जियोग्राफी की 4। इसमें अगर नेक्स्ट ऐसे पार्ट दिए गए हैं जैसे फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 8th नंबर पे, इन्वायरमेंट साइंस की 4 पोस्टें हैं, उर्दू की 4, कॉमर्स की 1 दी गई हैं, जियोलॉजी की 1, जियोलॉजी की 3 दी गई हैं, पॉलिटिकल साइंस की 4 दी गई हैं, हिस्ट्री की 4, इकोनॉमिक्स की 4, मैथमेटिक्स की 5 एंड टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट की 5 पोस्टें दी गई हैं। बीएड की अगर बात करें तो बीएड की 12 पोस्टें दी गई हैं, इसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के एंड करगिल कैंपस की, इस तरह से कैंपस दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। BBED की बात करें, इसमें साइकोलॉजिकल एंटोनिमस कैंपस, डॉक्टर एंड बॉटनी, इसमें काफ़ी सारे नॉम दिए गए हैं, जबकि 5 पोस्ट दी गई हैं इसे BBED के लिए। एजुकेशन की बात करें, इसमें 4 पोस्टें दी गई हैं, 2 ईच फॉर बॉटनी ऑफ कैंपस के ये। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ की इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसमें 3 पोस्टें दी गई हैं, फॉरेंसिक साइंस की इसमें 3 पोस्टें दी गई हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड किया गया है। नेशनल डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी में आपकी 2 पोस्टें दी गई हैं, एनर्जी साइंस में इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फॉर्म अप्लाई करिए, और साथ में ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी लाइक मैंने जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।